उद्धव जी, मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से करता हूं और नहीं डरता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धड़ल्ले के साथ मैं बोलता हूं। तो उद्धव जी, आपकी सभी प्रत्याशियों के बैनर पर आपसे ढाई गुना बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का लटका कर आप प्रचार करते थे, मोदी जी के नाम पर वोट मांगते थे। मेरे साथ आपकी रैली हुई, मोदी जी के साथ आपकी रैली हुई, हर जगह हमने कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए, देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बोले भाई आप उस वक्त, क्यों नहीं बोले? परंतु मित्रों, ना कोई ऐसा वादा था, न ऐसी बात हुई थी। सत्ता के मोह के अंदर बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में डालकर ये सत्ता पर बैठ गए। उद्धव, मैं नहीं डरता किसी से, ठाकरे सरकार गिरा दूंगा, शाह का शिवसेना पर पलटवार। इस टेक्स्ट के साथ सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमित शाह भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के साथ दावा है अमित शाह ने उद्धव सरकार को गिरा देने की चेतावनी दी। फेसबुक पेज हिंदी तक ने वायरल वीडियो शेयर कर लिखा, अमित शाह का शिवसेना पर पलटवार, क्या शाह ठाकरे सरकार गिरा देंगे। फेसबुक पेज हिंदी तक पर 22 जून 2022 को अपलोड हुए इस वीडियो को ये वीडियो बनाए जाने तक 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ट्विटर यूजर्स भी वायरल वीडियो के जरिए अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। दी लल्लन टॉप ने वायरल वीडियो का सच जानने के लिए पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत निकला। सबसे पहले हमने 5 मिनट से ऊपर के इस वीडियो को गौर से देखा। वीडियो में कहीं भी अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा देंगे। इसके बाद हमने अमित शाह और ठाकरे सरकार गिराने को लेकर सर्च किया तो हमें इससे जुड़ी कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। अमित शाह अगर इस तरह का कोई बयान देते तो स्वाभाविक है कि एक बड़ी खबर होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे वीडियो के एक फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च टूल की मदद से सर्च करने पर हमें अमित शाह के ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट मिला। 7 फरवरी 2021 को किए गए इस ट्वीट में अमित शाह ने लोकेशन महाराष्ट्र की बताई है। यहां से क्लू लेकर हमने यूट्यूब पर अमित शाह के चैनल पर वीडियो के लंबे वर्जन को सर्च किया। सर्च से हमें अमित शाह के चैनल पर 28 मिनट का वीडियो मिला। ये वीडियो 7 फरवरी 2021 को सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के दौरान दी गई शाह की स्पीच है। वीडियो में 19 मिनट 18 सेकंड के बाद वायरल वीडियो को देखा और सुना जा सकता है। इस हिस्से में अमित शाह ने कहीं पर उद्धव सरकार गिराने का कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि पूरी स्पीच के दौरान अमित शाह शिवसेना पर हमलावर होकर महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखे का आरोप लगाते रहे। अपने भाषण के अंत में अमित शाह कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं, बल्कि डंके की चोट पर आपके सामने लड़ाई लड़कर किसानों की सेवा करेंगे। ये स्वप्न मत पालिए, हमारे कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपके रास्ते पर नहीं चले, मगर हम आपके रास्ते पर चले होते तो आपकी पार्टी का अस्तित्व भी ना होता। अलग अलग मीडिया संस्थानों ने भी अमित शाह के इस कार्यक्रम पर रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। बात अगर हालिया महाराष्ट्र संकट की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच इस राजनीतिक संकट को लेकर बैठक हुई है, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक गृह मंत्री की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फाइनल नतीजा आपको बताए देते हैं। हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। वायरल वीडियो 1 साल पुराना है, जिसका महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उठापटक से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने जैसा कोई भी बयान नहीं दिया है। आपके लिए ये पड़ताल की है हमारे साथी अंशुल ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन, मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।